हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड अ इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। सो लेट कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। इन द प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रेशियोज वी डिस्कस्ड। देन आफ्टर वी स्टार्टेड द सिमिलरिटी क्राइटेरियाज इन विच वी डिस्कस्ड दैट देयर आर द 3 डिफरेंट सिमिलरिटी क्राइटेरियाज। On behalf of them, we can prove that the two triangles are the similar, and these are respectively the first one is angle, that is also named as angle similarity criteria. How it will work? If the three angles of triangle, if three angles of one triangle are corresponding equal to the three angles of another triangle, then the ratios of the sides are the same, and hence the triangles are similar to each other. Then we discuss the property SAS, that is side angle side. How it will work? If the one angle of one triangle is corresponding equal to the one angle of another triangle and the ratios of the side included that angle, are same, then the triangles are said to be similar by the criteria SAS. And then one more rule is, that is SSS, side. And that is the ratios of the sides of the two, if the ratios of the sides of the two triangles, corresponding sides, kya sakte hain? If the ratios of the corresponding sides of the two triangles are the same, then the triangles are said to be the similar by the property SSS. Isme bhi wohi kahani hai, ke SSS jab kisi question mein apply hota hai, तो वैसे तो जनरली इसका जो थ्योरम पार्ट है उसमें तो क्या होता है कि SSS जब कंडीशन गिवन है तो उससे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दे रखा होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, देन द प्रॉपर्टी इज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज का इंप्लीमेंट होता है और साइड्स का रेशियो अगर सेम दे रखा है या अपने किसी तरीके से अगर रेशियोज को इक्वल बना देते हैं तो एंगल्स को इक्वल बताने की या एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जिस भी रूल से ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, ट्राइंगल्स के सिमिलर प्रूफ होने के दो रीजन होते हैं। या तो वो क्वेश्चन में चलो आपसे पूछ लेता है कि प्रूव दैट दीज टू पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो अपने उस अकॉर्डिंग वो ट्राइंगल्स पेयर को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। लेकिन जिन क्वेश्चन के अंदर सिमिलरिटी गिवन नहीं होता है और आपको कोई रेशियो कैलकुलेट करना है, किसी एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, इस टाइप के टू ट्राइंगल्स में अगर कोई रिलेशन लाना है, तो वो हमेशा उसी कंडीशन पे होता है जब पहले आप उन दोनों ट्राइंगल्स पेयर को सिमिलर प्रूफ करते हैं, एज वेल एज वी प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन वी विल से दैट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम एंड सॉरी देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द इक्वल एंड द रेशियोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम। सो इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस ऑल दिस प्रॉपर्टीज ब्रीफली, अगेन आई हैव रिपीटेड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड देन वी स्टार्टेड सम बेसिक क्वेश्चंस इन द प्रीवियस क्लासेस दैट हाउ द सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज बीइंग यूज्ड इन द क्वेश्चन। तो आज की क्लास में भी वैसे ही कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप एकदम परफेक्ट हो जाए कि सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में यूज कैसे करना होता है। और सिमिलरिटी में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस में सिमिलर प्रूव करना डिफिकल्ट नहीं है, सिमिलरिटी का रूल अप्लाई करना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट सिर्फ एक बात की है, वो है कॉरस्पॉन्डिंग नेमिंग लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट है कि दो ट्राइंगल्स पे जो सामने सामने दिख रहे हैं कि सिमिलर है, लेकिन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बताना और उनके ट्राइंगल्स के नेम लिखना कि कौन सा ट्राइंगल पर्टिकुलर किस सीक्वेंस ऑफ ट्राइंगल के साथ सिमिलर का रिलेशन बनाएगा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरे चैप्टर के अंदर। क्योंकि रूल्स इतने डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, डिफिकल्टी जो है वो उसी क्वेश्चन के अंदर। तो लेके कंडीशन में इन अ ट्रेपेजियम एबीसीडी, with AB parallel CD, in a trapezium ABCD with AB parallel CD, diagonals AC and BD, intersect each other. In a trapezium ABCD with AB parallel DC, diagonals AC and BD intersect each other at point, diagonals intersect each other at point O, show that show that
आपको ये रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखिए क्वेश्चंस में डिफिकल्टी, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशंस आती है। अब भी दो क्लास पहले जब आप रेशियोज को इक्वल प्रूफ करते थे तब आप ट्राइंगल्स के अंदर बीपीटी प्रॉपर्टी का यूज करते थे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी क्या होता है, अगर कोई साइड किसी लाइन के पैरेलल है और अगर आप वहां पे डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो वहां पे रेशियोज आते हैं किस प्रॉपर्टी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ऐसा नहीं है कि जब भी रेशियो प्रूफ करना है तो हमेशा ट्राइंगल सिमिलरिटी के ही क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं, वहां पे हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बीपीटी भी अप्लाई हो सके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का भी वो क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि ट्रेपेजियम स्ट्रक्चर गिवन है एबीसीडी, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आपने किया था लेकिन फॉर्मेट अलग अलग होता है, बीपीटी भी आपने बीपीटी थ्योरम में भी आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें ट्रेपेजियम में वन पेरिस साइड पैरेलल दे रखा है, फिर उस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, उसमें रेशियोज कुछ और लाना था, यहाँ पे डायगोनल्स एसी और डायगोनल्स बीडी जो है वो एक दूसरे के साथ पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अच्छा ये कंडीशन समझ में आ गया कि डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वन पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है और क्वेश्चन में ये रेशियो आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि जो रेशियो इक्वल प्रूफ करना है उसके बिहाफ पे, क्योंकि दो रेशियोज अगर इक्वल प्रूफ करने हैं तो इसका मतलब 99% तो कंडीशन अगर बीपीटी होता है तो डायरेक्टली बीपीटी से आ जाता है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी ट्राइंगल इसमें ऐसा नहीं बन रहा है जिसमें पैरेलल साइड्स और आप बीपीटी का यूज कर सके, तो फिर अल्टरनेट आपके पास में एक ही ऑप्शन होता है, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो जिससे कि आप उनके रेशियोज को इक्वल लिख पाए। तो बात यह है कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले कौन से ट्राइंगल्स में इन साइड्स के रेशियोज को आप सिमिलर प्रूफ करके लिख सकते हैं, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी। आई थिंक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इस बात को समझने में कि ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी अगर इनके रिजल्ट्स को इनके रेशियोज को आपस में इक्वल लाना है। आई थिंक आराम से आप इस कंडीशन को समझ सकते हैं, क्या, कि आपके पास में दो ट्राइंगल्स पेयर है ए ओ बी है और दूसरा ट्राइंगल पेयर ये इसके जो डाउनवर्ड्स बन रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सा ट्राइंगल्स पेयर किसके साथ सिमिलर होगा और क्यों होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, लाइंस पैरेलल गिवन है तो पैरेलल लाइन से इतना तो आइडिया सबको ही है कि जब पैरेलल लाइंस होती है तो उसके अंदर क्या बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए का रिलेशन सी के साथ इक्वल हो सकता है, बी का रिलेशन डी के साथ इक्वल हो सकता है, और तीसरा पॉइंट ओ पे आप अगर ओ यूज करना चाहते हो तो ओ पे आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो तीन पॉसिबिलिटीज है ट्राइंगल्स के प्रूफ होने के लिए। तो सॉल्यूशन के अंदर यहीं से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी ट्राइंगल में आपको पता है कि यहाँ पे एंगल्स के रूल से ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन आई एम राइटिंग हियर, पहले ट्राइंगल ए ओ बी है तो ए पार्ट को लिखा, फिर ट्राइंगल सी ओ डी है तो सी पार्ट को लिखा, ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी, शॉर्ट में मैंने लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ऑफ ए बी पैरेलल डी सी। क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, डेफिनेटली आपके दोनों ट्राइंगल्स पेयर, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे ही मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, अभी सिर्फ आपको रूल समझना है, वो प्रॉपर्टी समझनी है कि रेशियोज को अप्लाई कैसे करते हैं। तो ए ओ बी के साथ सी ओ डी सिमिलर हो गए एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, देयरफॉर अगर ये सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अंदर ओ ए के साथ ओ सी का रेशियो और कॉरेस्पॉन्डेंस ओ बी के साथ ओ डी का रेशियो। रीजन इज रेशियोज ऑफ, ये आपको जितना हो सके लिखने की प्रैक्टिस रखनी है, रेशियोज ऑफ corresponding sides of ratios of corresponding sides of similar triangles are equal, ratios of the corresponding sides of similar triangles are equal, equal होता है किसके ratios, corresponding sides के, किसके लिए, similar triangles के लिए, clear? So OA upon OC is equal to OB upon OD और ये ही आपके question की requirement है। अच्छा कुछ चेंजेस और है वो भी यहाँ से आपको सीखने जरूरी है, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन सीखने का मतलब ये नहीं कि बस एग्जाम में बस वही क्राइटेरिया और उतनी लिमिटेशन के साथ क्वेश्चन आता है, नहीं, एग्जाम में यही क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो इस तरीके से भी आ सकता है, और करके सुन लीजिएगा, ऐसा भी बहुत बार पेपर में आता है, प्रूव दैट ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। अब स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन करने से पहले ऐसा लगता है अच्छा ठीक है साइड्स का रेशियो तो है, लेकिन वो अगर
ज्यादा डिटेल में सोचता है तो वो किस बात के लिए कंफ्यूज होगा, आप किस बात के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने बताया था कि जब रेशियोज को लेना होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के दो ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियोज बनते हैं, कभी भी रेशियो एक ही ट्राइंगल के साइड का नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूजन होता है कि सर ओ ए के साथ ओ बी का रेशियो है और ओ सी के साथ ओ डी का रेशियो है, तो ओ ए और ओ बी तो एक ही ट्राइंगल के पार्ट है और ओ सी और ओ डी एक ही ट्राइंगल के पार्ट है, तो एक ही ट्राइंगल के साइड का रेशियो तो सिमिलरिटी में होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आप इस बात को समझिए तो सही कि ओ ए ओ बी का रेशियो आपस में और ओ सी और ओ डी का रेशियो आपस में ठीक है, लेकिन कंडीशंस में डायरेक्टली ओ ए और ओ बी का रेशियो या ओ सी और ओ डी का रेशियो एक्सप्रेस नहीं होता है। पहले आपको इन्हीं ट्राइंगल पेयर को लेकर सिमिलर प्रूफ करना होगा और इस ट्राइंगल पेयर के बाद में आपको पता है कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ओ ए डॉट ओ डी इक्वल टू ओ बी डॉट ओ सी। तो अब आप वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर कैसे लिखा, अब मल्टीप्लाई को डिवाइड में ला सकते हो, तो फाइनल आंसर में ओ बी डिवाइड में चाहिए और इधर फाइनल आंसर में ओ डी डिवाइड में चाहिए। बताओ क्या प्रॉब्लम है, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। इसीलिए कह रहा हूं रेशियोज को सीखना लिखना बहुत जरूरी है, रेशियोज के अंदर रेसिप्रोकस करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, रेशियोज इक्वल है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सेम आंसर है, रेशियोज में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो पहले डिवाइड में था उसका अपोजिट अगर दूसरा वैल्यू डिवाइड में लेके आते हैं कोई रेशियो में चेंज नहीं होता है। रेशियोज के अंदर रेसिप्रोकस करके कोई भी कॉमन वैल्यू अगर आप ऐड करते हैं या किसी भी कॉमन वैल्यू से या किसी भी कॉमन वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तब भी रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है रेशियोज की जिनको क्वेश्चंस में लिखना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। तो एक टाइम में क्वेश्चन एक ही हो सकता है लेकिन उसकी रिलेवेंट प्रॉपर्टीज बहुत सारे डिस्कशन में आ सकते हैं और इन्हीं सब की प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन क्या था कि ट्रेपेजियम दे रखा था, ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल लाइन होता है तो आपको इन रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है। रेशियो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे मतलब साइड्स की वैल्यूज को चाहे रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा हो, चाहे प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा हो, रेशियो में रेसिप्रोकल हो, चाहे रेशियो में किसी एक वैल्यू को इंटरचेंज करके दे रखा हो, किसी भी तरीके का रिजल्ट हो, आप तो स्टैंडर्ड जो कंडीशन होती है उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को रिप्रेजेंट करें, उसके बाद जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर दें। फॉर दैट आइदर यू कैन डू द रेसिप्रोकल, आइदर यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आइदर यू कैन डू द इंटरचेंज द कॉफिशियंट ऑफ वन साइड, सिर्फ वन साइड के कॉफिशियंट को चेंज किया है, यहाँ पे इस साइड का न्यूमरेटर इस साइड का डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर की पोजीशन आपस में चेंज हुई है, सो दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ये हर तरीके से हर कंडीश्योन का रूल एप्लीकेबल होता है, मेक श्योर इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में प्रैक्टिस में मिलेगा क्या, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए, देखिए क्योंकि क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, पता मैं देता हूं फॉर्मेट की आपको कैसे करना है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको ये रिजल्ट दे रखा हो क्या, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, और ये जो बोर्ड पे प्रूफ में लिखा हुआ है ये आपको गिवन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, देन प्रूव दैट सच दैट, सॉरी, डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट, और सच दैट करके ये कंडीशन आपको दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, प्रूव दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दैट मींस पैरेलल लाइन प्रूफ करना, पैरेलल लाइन प्रूफ करना मतलब जो फिगर बनता है उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल बताना पड़ता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल बताने का मतलब एंगल ए और एंगल सी को इक्वल लाना, और एंगल ए और एंगल सी को इक्वल लाने का मतलब हो गया दो ट्राइंगल पेयर को सिमिलर प्रूफ करना, दो ट्राइंगल पेयर को सिमिलर प्रूफ करने का मतलब हो गया कि जो गिवन कंडीशन का रेशियोज है उसके अकॉर्डिंग दो साइड्स में जब रेशियोज होता है तो तीसरा साइड तो उसके साथ इंक्लूड हो नहीं सकता, तो दो साइड्स के रेशियोज को तीसरा पॉइंट आता है उसके साथ इंक्लूडेड एंगल, तब आपका रूल होता है एसएएस। अच्छा, कई बच्चे डायरेक्टली इसी को लेके सीधा एसएएस लिख देते हैं, नहीं, ओए के साथ ओबी कैसे पॉसिबल है, तो ओए अपॉन ओबी इक्वल टू ओसी अपॉन ओडी का जो रिजल्ट होता है इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिखना है। अब ओए के अपॉन में स्टैंडर्ड ओसी को लिखना है और ओबी के अपॉन में स्टैंडर्ड ओडी को लिखना है, तो ये रेशियो आपके पास में गिवन कंडीशन आपने इक्वल बना दिए, O पे आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल अभी भी बनेगा तो ट्राइंगल्स वापस से सिमिलर हो जाएंगे, कौन से रूल से, एस ए एस। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूं, तो ट्राइंगल्स आपके एस ए एस रूल से सिमिलर हो जाएंगे, एंड एज वेल एज विल प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स पेयर आर सिमिलर, देन वी विल राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सी ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी आर इक्वल, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, and then finally we will write
if corresponding angles of similar triangles are equal, which are alternate interior angle, then finally we can say that AB parallel DC, so that ABCD is a trapezium. तो आप क्वेश्चन वन डायरेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन उसका रिवर्स डायरेक्शन का आ जाता है. तो दोनों कंडीशंस आपको फॉलो करनी आनी चाहिए. हर क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है. किसी क्वेश्चन में रेशियो देके आपसे पैरेलल लाइन प्रूफ करवा देगा, उसके लिए एंगल्स इक्वल प्रूफ करना होगा. और किसी क्वेश्चन में पैरेलल लाइन देके आपसे रेशियो इक्वल प्रूफ करा सकता है. तो अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस है, वो आपको यूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ कीजिए पहले, इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन फिगर से ही आपकी रिप्रेजेंट होगी. एवरीवन ड्रॉ दिस फिगर. फिगर में ये सब कुछ मार्किंग कर रखा है यहां पे आपका. अच्छे से देख के लिखिएगा कि कहां से कहां तक है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है, यहीं पे लिख देता हूं ताकि वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकूं. क्वेश्चन यहीं पे है आपका, इन गिवन फिगर. गिवन फिगर में ये आपको दे रखा है, ध्यान रखिएगा. ये रेशियो जब देता है ना तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है. क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर कॉमा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू. ये दो वैल्यूज क्वेश्चन दे रहा है आपको इन फिगर. क्यू आर रेशियो विद क्यू एस एंड क्यू टी रेशियो विद पी आर इक्वल कॉमा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू. ये दो वैल्यूज आपको दे रखा है. तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर. समझ में फिर भी आ जाता है, लेकिन सिमिलरिटी में एक्सप्रेशंस जो समझते हैं उनको लिखना बहुत मुश्किल काम होता है. सिमिलरिटी के अंदर जो वर्बली कंडीशन समझ लेते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेशन में लिखना, उसको सिंप्लीफाइड करना एग्जाम के अंदर बहुत एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है रेशियोज के लिए. और अगर एक्यूरेट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं. तो देखिए क्यू आर और क्यू एस और क्यू टी और पी आर साथ में एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, वन और टू इक्वल है. तो इस रेशियो को, इस एंगल पेयर को यूज करते हुए कुछ ऐसा सोचना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर. तो पहले तो इन एंगल्स ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि इन ट्राइंगल्स के अंदर कौन से सिमिलरिटी रूल से आप इनको प्रूफ कर सकते हैं. पी क्यू एस ये स्मॉल ट्राइंगल, टी क्यू आर क्लियर, पी क्यू एस ये स्मॉल ट्राइंगल, टी क्यू आर ये ट्राइंगल. तो पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों ट्राइंगल्स को फिगर में ऑब्जर्व करने के बाद में ये तो समझ में आता है क्या कि पी क्यू एस और टी क्यू आर में एंगल क्यू जो है वो आपका कॉमन है, जो दोनों पार्ट में इक्वल है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल वन जो क्यू बन रहा है सिमिलरिटी के अंदर जो प्रूफ करने हैं ट्राइंगल्स, तो वहां पे तो वो कॉमन एंगल के लिए इक्वल होगा. लेकिन क्वेश्चन में एंगल वन किसके इक्वल दे रखा है, एंगल टू के. तो क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक होगा रीजन, तभी आपको एंगल वन और एंगल टू इक्वल दिया जा रहा है. चलिए देखते हैं कि वन और टू को कैसे यूज करना है. तो उस अप्रोच को सीखते हैं कि वन और टू जो इक्वल है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को और किस तरीके से अप्लाई करना होता है. वैसे तो सबको पता है कि दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो या तो उनका एक काम होता है क्या कि जरूरत होने पर किसी एक एंगल को दूसरे एंगल से रिप्लेस कर दे, या तो वो उस तरीके से यूज होता है. और या फिर अगर किसी ट्राइंगल्स में टू एंगल्स इक्वल है तब तो उसका एक ही प्रॉपर्टी बनता है फिक्स. कौन सा वाला, याद कीजिए, नाइन्थ क्लास की प्रॉपर्टी है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. आइसोस्केलर्स की प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, आइसोस्केलर्स जब होता है तब तो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और जब किसी ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि पी क्यू एस और टी क्यू आर में जो एंगल क्यू आपका कॉमन है, तो एक ही एंगल कॉमन है, दूसरा एंगल तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि पी क्यू एस और टी क्यू आर कोई रिलेशन बनेगा नहीं सेकेंड एंगल का. तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है, जब एक ही एंगल पेयर अगर सिमिलरिटी में काम आ रहा है, मतलब वो ट्राइंगल सिमिलर होगा कौन से रूल से, एस ए एस. ऐसा आइडिया क्यों लगा कि क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा. अच्छा, एस ए एस के लिए ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर में इस एंगल वन को इंक्लूड करते हुए एक तो क्यू एस और पी क्यू है और दूसरा क्यू आर और क्यू टी है. क्यू एस और क्यू पी, क्यू आर और क्यू टी. अच्छा, इसमें भी देखिए क्यू एस और क्यू पी, क्यू एस और क्यू पी का रेशियो चाहिए, सॉरी क्यू एस और क्यू पी साइड्स आने चाहिए और क्यू आर और क्यू टी आने चाहिए, लेकिन रेशियो तो आपस में तो होता नहीं है. क्यू एस कॉरेस्पॉन्डेंस क्यू आर दे रखा आपको, ये देखिए इधर क्यू एस साइड के साथ क्यू आर साइड का रेशियो जो चाहिए वो है ऑलरेडी, और क्यू पी के साथ क्यू टी का रेशियो चाहिए, क्यू पी के साथ क्यू टी का, तो क्यू टी तो है,
जो एक प्रॉब्लम कर रहा है वो ये है कि यहाँ पे रेशियो में पीआर दे रखा है और आपको जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है उसमें पीआर नहीं है, तो नहीं है तो इस चीज को यहां से आपको समझना होगा क्या। सबसे पहले सर ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर प्रॉपर्टी देखें, ट्राइंगल पी क्यू आर में अपने लिखते हैं क्या, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, पी क्यू आर में एंगल वन इक्वल टू एंगल टू आपके पास में गिवन है। देयरफॉर अगर वन और टू आपस में इक्वल गिवन है तो देयरफॉर क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू अगर गिवन है तो रिजल्ट क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर एज इक्वेशन नंबर वन बाय द प्रॉपर्टी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये कंडीशन हो गया। अच्छा इसके बाद में, इसके बाद जो आपको गिवन है वो क्या है, सेंस क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये भी रेशियो आपको गिवन है। तो इस गिवन रेशियो में क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, तो पी आर को रिप्लेस कर रहे हैं पी क्यू से, और यहां पे जो रिप्लेस किया है वो आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के। तो इक्वेशन वन से अगर पी क्यू पी आर के इक्वल है तो गिवन रेशियो में पी आर को पी क्यू से रिप्लेस कर दिया। अच्छा उसमें भी इंपॉर्टेंट बात कि जो पहले ट्राइंगल है उसमें पी क्यू एस मतलब क्यू एस, क्यू एस और पी क्यू साइड्स, तो क्यू एस और पी क्यू साइड्स जो पार्ट है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इसका भी एक कंडीशन यहाँ पे अपने को परफॉर्म करना पड़ता है क्या, रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको फिर से रेसिप्रोकल करना होगा। सो एज वेल एज विल डू द रेसिप्रोकल, सो एक्सप्रेशन दैट विल फॉर्म इज क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी, क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी, ये कंडीशन आ गया। एंड दिस वन गिवन एज इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड इसमें एक चीज आप ये भी लिख सकते हैं, एंड क्या, ये रेशियो इक्वल हो गया एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू दैट इज अ कॉमन, ये रेसिप्रोकल से और ये कॉमन से, ये इक्वेशन नंबर थ्री। अब ये दोनों अगर रिजल्ट आपके पास में है इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री से, तो अब आप इसके बाद में डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या कि जब भी किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो साइड्स के रेशियो इक्वल होता है और इंक्लूडेड एंगल उनके बीच में अगर इक्वल है, तो ये देखिए ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे क्यू एस और क्यू आर, क्यू एस साइड के साथ क्यू आर, क्यू पी के साथ क्यू टी, और इंक्लूडेड एंगल जो क्यू है वो कॉमन है। सो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री वी गेट, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले हमेशा ट्राइंगल्स के नेम लिखो फिर उसमें साइड्स लिखो, अगर साइड्स का रेशियो एंगल्स इक्वल है किसी ट्राइंगल पेयर के लिए तो आप दोनों से डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, वी गेट व्हाट वी विल गेट, ट्राइंगल क्या नेम है पी क्यू एस है, तो जैसा क्वेश्चन में नेम है वैसा लिखो, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर बाय द प्रॉपर्टी एस ए एस, और यही आपका रिजल्ट प्रूफ करना था आपको। सो एट लास्ट वी विल राइट हैंस प्रूफ्ड, तो क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, और इसीलिए आपको बेसिक्स एकदम क्वेश्चंस का जैसे मैंने कहा था, ताकि आप सिमिलरिटी से यूज टू हो कि सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज को यूज कैसे किया जाता है, उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन में आइसोस्केलेस का प्रॉपर्टी यूज हुआ, इससे रेशियोज जो गिवन था उसमें साइड्स को रिप्लेस किया, रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल करके समझ में आ गया क्यू एस के साथ क्यू आर का रेशियो और क्यू पी के साथ क्यू टी का रेशियो इक्वल हो गया, एंगल क्यू कॉमन हो गया, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द प्रॉपर्टी एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आई थिंक समझने में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली यू कैन गेट दिस पॉइंट दैट हाउ दिस टू ट्राइंगल्स पेयर कैन बी प्रूव्ड सिमिलर। तो फिगर गिवन है उसी फिगर के लिए आपको इन ट्राइंगल्स पेयर को सिमिलर प्रूफ करना। तो ये है सिमिलरिटी के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको फिगर दे रखा है, फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसके इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ कीजिए आप लोग साथ में, ये आपका गिवन फिगर है, जिसमें फिगर ड्रॉ कर रहा हूं उसमें क्वेश्चन में भी आपको फिगर गिवन ही है, तभी उसका फिगर मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं।
जिसमें लैंग्वेज होगा उसमें लैंग्वेज लिख के ड्रॉ करेंगे, फिगर अपने आप से बनाएंगे। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और क्वेश्चन में लिखिए इन गिवन फिगर, यहीं पे शॉर्ट में लिख लीजिएगा इन गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ये गिवन है इन गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ई ट्राइंगल को ए बी सी ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूफ करना है। देखने में बहुत इजी लगता है कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल पेयर फिगर में कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, दूसरा ट्राइंगल पेयर क्वेश्चन में सिमिलर प्रूफ करना। तो ट्राइंगल पेयर जब कॉन्ग्रुएंट दे रखा होता है तो ट्राइंगल पेयर की कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और क्या कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल्स के अंदर, that if two triangles are congruent, if two triangles pair are congruent, then their corresponding sides and their corresponding angles are equal. ठीक है, analysis करते हैं कि किस तरीके से use किया जा सकता है इस property को। तो question के अंदर triangle ABE का pair triangle ACD के pair के साथ congruent है। तो ABE और ACD इसमें अगर आप observe करें तो जो एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है ए बी ई और ए सी डी, उसमें से सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जो आपके नेक्स्ट सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर में काम आएगा, वो आपका एंगल ई है। क्योंकि देखिए ए बी ई में ए तो कंप्लीट आ रहा है लेकिन बी का सिर्फ हाफ पार्ट आएगा, ए सी डी में ए कंप्लीट आ रहा है लेकिन सी का सिर्फ हाफ पार्ट आएगा। तो मतलब ये हो गया कि जो ट्राइंगल्स कॉन्गेंट दे रखे हैं उनके एंगल्स में तो कोई एंगल काम आएगा नहीं, क्योंकि एंगल ए तो नेक्स्ट ट्राइंगल के पेयर में भी कॉमन है ही है, ADE और ABC में भी तो एंगल ही क्या है कॉमन ही है। तो ADE और ABC में अगर एंगल ही कॉमन है तो इसका मतलब जो ट्राइंगल्स पे कॉन्गेट दे रखा है उसमें एंगल का तो कोई यूज नहीं होगा, तो डेफिनेटली यूज होगा वो साइड का होगा। चलिए देखिए, अब बात ये है कि समझना डिस्कशन है कि ADE और ABC अगर इनको सिमिलर प्रूफ करना है, लाइंस तो पैरेलल है नहीं जो कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दे सीधा और आंसर सिमिलर हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर सिर्फ एक एंगल कॉमन है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही है क्या, कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो रूल सिर्फ जो अप्लाई हो सकता है दैट इज द SAS। अच्छा ये माइंड में क्यों आएगा कि SAS रूल अप्लाई हो सकता है जबकि एक ही एंगल इक्वल है वो कॉमन है, तो SAS रूल इसलिए माइंड में आ रहा है कि जो ट्राइंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं उसमें सीपीसीटी से, उसमें सीपीसीटी से आपके जो साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं सीपीसीटी से। तो आप ऐसे साइड्स के पेयर को वहां पे सीपीसीटी से इक्वल बताएंगे जिनका रेशियोज आपस में इक्वल बन जाता है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा बात कहता हूं क्या, दैट इफ वैल्यू ए इक्वल टू वैल्यू बी एंड इफ वैल्यू सी इक्वल टू वैल्यू डी एंड इफ आई विल डिवाइड ए बाय सी एंड बी बाय डी, देयर रेशियोज विल बी रिमेन सेम और डिफरेंट। अगर कोई वैल्यू ए बी के इक्वल है और कोई वैल्यू अगर सी डी के इक्वल है तो डेफिनेटली इस कंडीशन के अंदर अगर आप इन वैल्यूज का रेशियो लेते हैं ए अपॉन सी के साथ बी अपॉन डी का, सो डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल, यस और नो? अगर वैल्यूज पार्ट्स आपस में इक्वल है तो उनका रेशियो एक्सप्रेशन भी आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब अब फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो ट्राइंगल्स पेयर कॉन्गेंट दे रखा है उसके सीपीसीटी से ऐसे ट्राइंगल साइड्स के पेयर को आपको इक्वल बताना है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हो सकते हैं तो तीन में से कोई ऐसे दो साइड्स के पेयर इक्वल बताना होगा जिनका डिवाइड करके जिनका रेशियो बना के और आप ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सके। उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है क्या कि ADE और ABC का अगर सिमिलरिटी रूल जिसमें एंगल एक कॉमन आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड्स के पेयर की पॉसिबिलिटीज भी काम करेगा, AD के साथ AB का रेशियो और AE के साथ AC का रेशियो। AD को अगर AB से रेशियो में कैलकुलेशन में और AE को अगर AC के साथ रेशियो में अगर इक्वल बता दें सो दैट एंड एंगल ए एंड एंगल इज कॉमन, सो वी कैन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द SAS प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना है, सेंस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन कौन है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, दैट इज द गिवन। तो गिवन में जो तीन ट्राइंगल्स हैं उसमें से सिर्फ दो ट्राइंगल्स पेयर को काम में ले, सॉरी जो थ्री साइड्स इक्वल है उनमें से टू साइड्स को कॉन्ग्रुएंसी में काम में लेना है ए बी ई और ए सी डी के साथ। तो देखिए यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या है, ए बी ई एंड ए सी डी, तो फिगर में वैसे देखने की जरूरत नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग से पता चलता है कि AB जो है वो AC के इक्वल है
और आपको दूसरा क्या चाहिए था, AD और AE, और AE जो है वो AD के इक्वल है, तो अगर गिवन है सो देयरफॉर, अगर ये आपके पास में गिवन है तो देयरफॉर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AC, ये इक्वेशन नंबर वन, और ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ लिखना होता है CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्केव ट्रायंगल, एंड ऑल्सो AB और AC के साथ साथ और क्या इक्वल है, AE इक्वल टू AD, लेकिन मैं इसको इक्वेशन नहीं टू दे, इक्वेशन टू नहीं दे रहा, AE और AD अगर इक्वल है सो दैट इज ऑल्सो रिटन एज AD इक्वल टू AE, इक्वल तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस है तो मैंने CPCT से लिखा है, लेकिन मेरे को जो रिक्वायरमेंट है जैसे इनको यूज करना है तो उसमें AD पार्ट को पहले लिखा है, AE पार्ट को बाद में लिखा है, उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस में तो AE और इधर से AD, तो पहले इस ट्राइंगल का AE पार्ट फिर इस ट्राइंगल का AD पार्ट CPCT से इक्वल हुआ, लेकिन रिप्रेजेंट करते समय पहले AD पार्ट को लिखा गया है और फिर AE पार्ट को लिखा गया है, इक्वेशन नंबर टू। अच्छा क्यों लिखा गया AD पार्ट को पहले और AE पार्ट को बाद में है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि जिस ट्राइंगल पेयर को सिमिलर प्रूफ करना है पहले कौन सा ट्राइंगल है उसके रेशियोज को न्यूमरेटर में रखना है, उसके साथ सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है उस साइड के रेशियोज को डिनोमिनेटर में रखना है। अच्छा अगर AE पहले होता तो प्रॉब्लम वो आती कि AE के साथ मेरे को AC का रेशियो चाहिए, तो AE के साथ AC का रेशियो अगर चाहिए तो ये आपस में क्रॉस में, तो फिर इनको अगर डिवाइड करके फिर वापस या तो क्रॉस चेंज करता, तो इससे बेटर के जब इतना कुछ याद रख लोगे तो इतना तो याद रख ही सकते हो कि AD के साथ AB का रेशियो चाहिए और AE के साथ AC का रेशियो चाहिए, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू अगर है सो डिवाइड, एक्सप्रेशन में सीधा लिख सकता हूं डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, वी गेट जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरीके से ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, वैसे अगर डिवाइड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम, डिवीजन भी तो एप्लीकेबल होगा, सो डिवाइड इक्वेशन टू, सो नहीं करके नाउ लिख दो, नाउ डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, तो देखिए इक्वेशन टू के अंदर यहाँ LHS में AD है और इक्वेशन वन में यहाँ LHS में AB है, तो AD को AB के साथ अगर डिवाइड करता हूं और इधर RHS के अंदर AE को अगर AC के साथ डिवाइड करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है तो इनके डिवीजन वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगे, सो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, तो ये आपके पास में रेशियो डायरेक्ट उस फॉर्म में आ गया जो आपको रिक्वायर्ड है, देख लीजिए एक बार वापस से, AD अपॉन AB AE अपॉन AC, तो ये रेशियो इक्वल हो गए, एंड करके इसके बीच में एंगल A इक्वल टू एंगल A, इक्वेशन नंबर फोर, ये आपके फिर उन ट्राइंगल्स पेयर के अंदर कॉमन है जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है, तो ये आपने कॉमन लिखा, सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर से वी गेट व्हाट वी विल गेट, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी अगेन बाय विच प्रॉपर्टी, एस सी एस, क्योंकि जहां पे एंगल्स का सिमिलरिटी लगेगा उससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंगल्स के सिमिलरिटी में या तो कोई ना कोई एंगल इक्वल होगा और एक कोई ना कोई कॉमन होगा, या कहीं पे अगर पैरेलल लाइंस है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो सबसे इजी होता है, लेकिन जहां पे एस सी एस या एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगता है तो वहां पे ये सब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज को एक्सप्रेस करना, रेशियोज को स्टैंडर्ड फॉर्म में सही तरीके से एक्सप्रेस करना, क्योंकि अगर रेशियोज रैंडम तरीके से एक्सप्रेस कर रखे और डायरेक्ट अगर आप जबरदस्ती उसको सिमिलर करते हो, काफी बच्चे क्या करते हैं AE और AD को इक्वल लिखते हैं और इन्हीं को आपस में डिवाइड करके AB अपॉन AE AC अपॉन AD एंड एंगल A कॉमन एंड ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मार्क्स कट हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर बहुत सिक्वेंसली फॉलो आपको करना पड़ेगा, ADE का अगर नेम पहले है तो AD के कॉरेस्पॉन्डेंस AB और AE के कॉरेस्पॉन्डेंस AC ही आएगा तो ही वो रिजल्ट अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसीलिए रेशियोज के अंदर लगता आसान है कि हाँ हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन कंप्लीट मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल काम है, उसका रीजन सिर्फ एक ही है क्योंकि जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सप्रेशन लिखते हो उस एक्सप्रेशन में कितनी एक्यूरेसी है, कितना मिस्टेक है, वो जब एक एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना तो ही एनालिसिस हो पाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को तो अपने हिसाब से सही लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या गलत लिख सकता हूँ, कुछ भी गलत नहीं लिख सकता, यस और नो, तो इस तरीके से बात है बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट होके काम करना है। चलिए लिखिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट फोर नंबर, ई इज अ पॉइंट
E is a point on side, E is a point on side AD, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, and BE, and BE intersects CD, BE intersects CD at point F. BE intersects CD at point F. Prove that, या show that, जो भी question कहेगा, prove that, और फिर से triangle pair आपको similar proof करना है. So question लिखिए, prove that triangle, triangle में आपका हो जाएगा triangle ABE similar triangle CFB. ये है आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट. अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है तो फिगर खुद को ड्रॉ करना. क्वेश्चन कह रहा है E is a point on side AD produced. इस produced वर्ड का मतलब आई थिंक आपने पहले भी यूज किया है बहुत बार ज्योमेट्री के अंदर, दैट व्हेनेवर अ साइड इज प्रोड्यूस्ड, दैट मींस फ्रॉम ए टू डी डायरेक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड अप टू विच पॉइंट, अप टू द पॉइंट ई. AD को आपको पैरेललोग्राम के साइड, AD को आपको E पॉइंट तक आपको प्रोड्यूस करना है. पैरेललोग्राम गिवन है तो इसके साथ काफी सारे पॉइंट्स यूज होते हैं. पैरेललोग्राम अगर लिखा हुआ है तो बेसिक्स प्रॉपर्टी, एटलीस्ट बेसिक्स प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि पैरेललोग्राम्स के अंदर प्रॉपर्टीज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, diagonals bisect each other, ये सारी कुछ basic properties है parallelogram. अच्छा, इसमें जब आपने E तक produce कर दिया तो आगे जब आप BE को join करेंगे तो वो figure में CD को point F पे intersect कर रहा है. तो जब figure draw करेंगे तब आपको exact analysis होगा कि किस साइड को कहां तक produce करना है और उसकी condition क्या है. तो जैसा कि question में parallelogram given है, तो सबसे पहले parallelograms की naming करनी है. डिपेंड आपके ऊपर करता है, चॉइस आपकी है कि आप नेमिंग कैसे करते हो. अगर मैं यहाँ पे एबीसीडी करूंगा तो डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगा. एक काम करते हैं, मैं यहां से इस तरीके से नेमिंग कर देता हूं. वैसे नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर सकते हैं, डायग्राम सही बनता है. एबीसीडी आप किसी भी डायरेक्शन में नेम कर दो, हॉरिजॉन्टल एबीसीडी करके भी ले सकते हो. तो जैसा भी आप एबीसीडी नेमिंग करते हो सिक्वेंस कंटिन्यूस होना चाहिए. अच्छा, एडी को प्रोड्यूस करते हैं किसी पॉइंट ए तक, तो फिगर में आपके सामने है एडी, तो मैंने एडी को अब एक्सटेंड तो कितना भी कर सकते हो लेकिन एक लिमिट तक तो एक्सटेंड करोगे ना. तो AD को मैंने पॉइंट E तक प्रोड्यूस कर दिया. प्रोड्यूस करने पे जो BE है, सो BE कैसे बनेगा, B से E को ज्वाइन करने पे BE इंटरसेक्ट CD, BE, तो B से E को ज्वाइन करने पे BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F, F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट कर दिया. BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F, तो F पॉइंट पे इंटरसेक्शन भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ट्राइंगल ए बी ई. जस्ट ऑब्जर्व हियर, ट्राइंगल ए बी ई, ये कंप्लीट ट्राइंगल पेयर सिमिलर प्रूफ करना है किसके साथ, सी एफ बी के साथ. कॉन्फ्रेंसी के कंपेयर में सिमिलरिटी डिफिकल्ट होता है, रेशियोज होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट को लिखना समझना बहुत मुश्किल होता है. तो कंडीशन में ए बी ई पेयर जो ट्राइंगल का है ए बी ई, इसको सी एफ बी के साथ सिमिलर प्रूफ करना है. मतलब एक तो ये पूरा ऊपर का पार्ट और एक ये पूरा नीचे का पार्ट. तो एक तो सिंपल सा पॉइंट जो समझ में आता है वो ये है, ये मेन फिगर बनाना ही इंपॉर्टेंट है. फिगर बनते ही तो ये क्लियर हो जाता है. अच्छा, कई बच्चे, अब देखिए इसमें गलती क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में नेम है ए बी ई, तो ए बी ई में ये एफ पॉइंट इसके साथ अगर वर्टिकल अपोजिट बनाता भी है तो कहीं पे भी आपके क्वेश्चन के लिए हेल्प नहीं कर पाएगा. ए बी ई और ए सी एफ, सॉरी सी बी एफ, सी एफ बी के अंदर अगर आप सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं तो कहीं पे भी एफ का वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स आपके सिमिलरिटी को प्रूफ करने में हेल्प नहीं करेगा. एंगल वर्टिकल अपोजिट जरूर है लेकिन जब ए बी ई में एफ आ ही नहीं रहा उसको लिखने से क्या एडवांटेज है, बताइए, कोई एडवांटेज नहीं है. अच्छा, तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्या एंगल्स पेयर को इक्वल बताएं.
कि ट्राइंगल सिमिलर बन जाए, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करो। पैरेललोग्राम में तो सबको ही पता है अपोजिट साइड पेयर क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल। तो पैरेललाइंस है, ट्रांसवर्सल है, तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स या फिर कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वापस एक बार नेमिंग देखते हैं कि ए बी ई में और सी एफ बी में, तो नेमिंग से पता चल रहा है कि ए बी ई में जो एंगल ई पे बनेगा वो अगर पॉसिबल हुआ तो सी एफ बी में बी पे बनेगा, और बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल ई पॉइंट पे और ये एंगल बी पॉइंट पे, ये है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस और नो? ये एंगल पेयर है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर ये और ये, तो फिर वही बात है, इन दोनों को नहीं करना है। अगर इसको इसके साथ सिमिलर प्रूफ करना होता ना, तब तो ये सीधा क्या बन जाता, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये बन जाता वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस और नो? लेकिन ये नहीं है। अच्छा, साइड्स का रेशियो इसलिए भी नहीं बन सकता क्योंकि कोई साइड्स की कंडीशन ही नहीं है। ए बी ई में सी एफ बी के साथ कोई मिड पॉइंट और तो है नहीं जो आप साइड्स के रेशियो के लिए वर्क कर ले। तो सिंपल सी बात है कि एक एंगल अगर ऑल्टरनेट से है तो दूसरा आएगा तो कोई एंगल या तो वो कॉमन या फिर किसी और प्रॉपर्टी से। तो एक एक वर्टेक्स पर एनालिसिस करते हैं। ए बी ई में ए वर्टेक्स, ए बी ई में वर्टेक्स ए पे एंगल और सी एफ बी में वर्टेक्स सी पे एंगल। सो यस, वी कैन से दैट एंगल ए एट एंगल एट पॉइंट सी आर ऑल्सो इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बस दो ही तो पार्ट चाहिए, तीसरा पार्ट तो आपको वैसे ही नहीं चाहिए क्योंकि तीसरे पार्ट में यहाँ पे बी पे और यहाँ पे एफ पे, सॉरी ए बी ई में यहाँ पे बी पे है तो यहाँ पे पॉइंट सी एफ बी में एफ पे, जो इस तरीके से वैसे बनता है ऑल्टरनेट। ये देखिए इधर, ये लाइन पैरेलल है, ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये भी जा रहा है ऑल्टरनेट से बी पे और एफ पे, बट दो की ही जरूरत है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में एनालिसिस करने में टाइम लगता है लेकिन लिखने में इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। तो सीधा आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी ई जिनको सिमिलर प्रूफ करना है और उसके साथ दूसरा ट्राइंगल पेयर सी एफ बी, ए बी ई और सी एफ बी के अंदर, ए बी ई और सी एफ बी के अंदर एंगल ए ई बी, ई पॉइंट के एंगल को लिख रहा हूं पहले, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल एफ सी बी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सी लाइन पैरेलल से? ए ई पैरेलल बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक से ज्यादा अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। तो बता दीजिए कि कौन से पैरेलल लाइन से आपने ऑल्टरनेट लिया है, ए ई पैरेलल बी सी। एंड द सेकंड वन इज एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल एफ सी बी, दैट इज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आपके अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर, ए बी ई के साथ सिमिलर है कौन, ए बी ई के साथ सिमिलर है सी एफ बी बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इज इट क्लियर? और यहां पे आपको सिर्फ ट्राइंगल पेयर को सिमिलर ही प्रूफ करना था, जो आपने प्रूफ कर दिया कौन से प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके डिफरेंट वे में आपसे पूछे जाते हैं, किसी में फिगर्स दे रखा होता है, किसी में फिगर ड्रॉ करना होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, डिस्कशन करते हैं फिर उसके सॉल्यूशंस को आपको करना है। फिगर ड्रॉ कीजिए, सब कुछ इसमें फिगर के अंदर ही है, वापस ही क्वेश्चन के अंदर। और इसको क्वेश्चन को देखते हुए जरूर आप कुछ ना कुछ कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है। ये आपके पास फिगर गिवन है और इस फिगर में आपके पास में डी ई पैरेलल बी सी है। तो ऐसा फिगर देखने के बाद स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं माइंड में आता है कौन सा प्रॉपर्टी, आपके भी माइंड में आ रहा होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि जब इस टाइप का फिगर बनाते हैं तो बीपीटी के अंदर आपके ऐसे फिगर्स पे आपने वर्क किया है कि उसमें कोई ट्राइंगल्स के किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये फिगर दे रखा है जिसमें डी ई, क्वेश्चन में यही है इंफॉर्मेशन इन फिगर, फिगर के अंदर एक तो ये दे रखा है डी ई पैरेलल बी सी, एंड डी ई पैरेलल बी सी के अलावा जो जो वैल्यूज दे रखा है वो लिख लो, ए डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू, डी बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर कॉमा ए ई इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर
यहां तक तो ठीक है, ए डी आ गया, डी बी आ गया, ए ई आ गया, तो स्टूडेंट्स को 99% ये लगता है कि ई सी निकालना होगा कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन में आ गया भी एक वैल्यू और दे रखा है, वो दे रखा है डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तब जाके क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड ए सी एंड बी सी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी है। तो देखिए पहले स्टेप पे तो ये चीज समझ में आ जाती है स्टूडेंट्स को कि जो बीपीटी से करता है तो वो यही लिखेगा कि इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी। सो लीजिएगा कि आपको क्या करना है, पहले इंफॉर्मेशन सुनिए कि क्या डिस्कशन का पॉइंट क्या है। डीई अगर बीसी के पैरेलल है, रफली अगर मैं बताऊं आपको कि ट्राइंगल में अगर डीई बीसी के अगर पैरेलल है, देयरफॉर डेफिनेटली रेशियो के अंदर आपको पता है बीपीटी से ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बीपीटी से तो ये कंडीशन आ गया। अच्छा लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि ए डी और डी बी का रेशियो और ए ई और ई सी का रेशियो, ए डी के साथ डी बी, तो देखिए ए डी दे रखा है, डी बी दे रखा है, ए ई दे रखा है, ई सी नहीं मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन वैल्यूज पुट करके ई सी तो आप निकाल ही सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले आपको करवाया था। तो बीपीटी से आपने ईसी कैलकुलेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने ईसी कैलकुलेट किया ईई और ईसी का सम करके एसी का तो काम फ्री हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बीसी को कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू फाइंड द बीसी वैल्यू, क्योंकि बीपीटी के अंदर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो डीई बीसी के पैरेलल है, तो रेशियोज तो रिमेनिंग टू साइड्स के इक्वल होता है, लेकिन रिजल्ट बीसी में लाना है जबकि डीई दे रखा है, तो डीई और बीसी को कैसे रिलेट करोगे, तो डीई और बीसी को रिलेट करने के लिए ये तो हो गया ट्राइंगल एबीसी के अंदर, और इसको आपने बाय सॉल्विंग, यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, आप सॉल्व करके बाय सॉल्विंग कैलकुलेट द ईसी, ईसी को फाइंड आउट करने के बाद आपको पता है कि एई और ईसी को ऐड करना है, तो एई और ईसी को ऐड करोगे तो ईसी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन बीसी के रिलेशन के लिए क्या करना होगा, बीसी के रिलेशन के लिए बेटा आपको ये प्रॉपर्टी एक समझनी होगी क्या, कि ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए और एंगल ए तो है आपका कॉमन पार्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, एंगल ए और एंगल तो ए है, ये तो आपका कॉमन पार्ट, और उसके अलावा एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये है आपके पास में फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतना आप समझ सकते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों है, क्योंकि आपके पास में लाइंस पैरेलल है, तो लाइंस पैरेलल होती है जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के साथ एंगल एंगल से, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल है तो डेफिनेटली ये एंगल आपका कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, और ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग है, दो एंगल से ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, जैसे ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं अब आप इनके रेशियोज पे अप्लाई कर लो, ए डी के साथ ए बी कॉरस्पॉन्डेंस है, डी ई के साथ बी सी कॉरस्पॉन्डेंस है, और ए ई के साथ ए सी कॉरस्पॉन्डेंस है। रूल्स आपको पता है, रेशियोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल और सेम, तो ये जब तीनों इक्वल है रेशियोज में तब आपके पास में कंडीशन क्या है कि कौन सा वैल्यूज आपको मालूम है, कौन सा फाइंड आउट करना है, उन दो को आपस में कंपेयर कर लो, जैसे लीनियर इक्वेशन में करते ना ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो किन्हीं दो को आपस में इक्वल कंपेयर कर लो। सपोज आपने ए डी अपॉन ए बी को डी ई अपॉन बी सी से कंपेयर किया, तो ए डी ए डी मालूम है, ए बी मालूम हो जाएगा किससे, ए डी और डी बी का अगर सम करोगे तो ए बी आ जाएगा, डी ई आपको मालूम है, बी सी आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा इसमें अगर कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर बीपीटी अप्लाई नहीं करे तो जरूरत नहीं है, बिना बीपीटी अप्लाई हुए भी काम हो सकता है, कैसे कि ए सी निकालना है तो इसको और इसको इक्वल पुट करके तो बी सी निकाल लिया, और ए डी अपॉन ए बी को ए ई अपॉन ई सी के इक्वल पुट करके ए सी निकाल लो, ए डी आपको मालूम है, ए बी जो है वो ए डी और डी बी के सम से आ जाएगा, ए ई आपको दे रखा है और ए सी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ अगर ई सी निकालना है, सिर्फ ई सी ही निकालना हो तब तो आप बीपीटी अप्लाई कीजिएगा, सिर्फ अगर ई सी निकालना हो तब तो इस पैरेलल एंड पेयर के लिए आप बीपीटी अप्लाई करो, सीधा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखो और आंसर को कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर आपके पास में डीई और बीसी को लेके अगर कोई रिलेशन करना है, एडी डीबी एडी एबी एई ईसी एई एसी किसी को भी लेके रिलेशन बनाना है, तब तो बीपीटी चल जाएगा। लेकिन
अगर DE और BC को अगर रिक्वायर्ड है आपके कंडीशन के अंदर, मतलब DE और BC के अगर आपको रिक्वायरमेंट है कंडीशन में, देन डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दैट द ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. Is that clear to everyone? So in the next class, we will continue with the similarity of triangle chapter. Till then, take care, revise your syllabus. Thank you, students.